Hello everyone, I'm Shalini. In this video, I'm going to draw a beautiful portrait of Deepika Padukone. So, यहाँ पे मैंने outline पहले ही कर ली है और मैं shading को proceed कर रही हूँ. तो shading के लिए यहाँ पे मैंने eyes से start किया है और eyes के जितने भी darker portions हैं उनको मैंने 0.9 mechanical pencil से cover किया है और जितने भी lighter portions होंगे as compared to darker portion और middle dark portion पोर्शन उनको मैं 0.5 मैकेनिकल पेंसिल से करूँगी. सो अगर आपको लगता है कि लाइटर ग्रेड के मैकेनिकल पेंसिल से आपसे बिल्कुल लाइट ड्रॉ हो रहा है तो आप उसमें लेयरिंग करके उसको डार्क कर सकते हैं थोड़ा बहुत. तो और अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो डोंट वरी, नो प्रॉब्लम. आप चाहें तो ग्रेड की पेंसिल्स को भी यूज़ कर सकते हैं और 2B और HB पेंसिल को, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. और यहाँ पे मैंने जितने भी स्मूथ शेडिंग्स हैं उनके लिए मैंने कॉटन बॉल का यूज़ किया है ब्लेंड करने के लिए, और जितने हाइलाइट्स हैं उनको मैंने सबको पेंसिल से मैंने पेंसिल इरेजर से दिया है हाइलाइट्स को. आप चाहें तो नॉर्मल इरेजर से भी दे सकते हैं, और अगर आपके पास नीडेड इरेजर है तो आप उससे भी दे सकते हैं, वो और अच्छा रहेगा. तो यहाँ पे मैंने उसको सिंपली हाइलाइट्स दिए हैं और जितने भी डार्कर पोर्शन हैं उनको कवर किए हैं. और यहाँ पे जो सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वाइल ड्राइंग लिप्स और स्माइल, जब आपकी दांत दिखते हैं स्माइल ड्रॉ करते वक्त, तो दांतों को आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जब भी टीथ ड्रॉ करेंगे तो टीथ हमेशा वाइट नहीं रखेंगे कम्प्लीटली, क्योंकि उसमें हल्के बहुत शेड्स होते हैं. तो शेड्स को आप हल्का बहुत शेड्स को ज़रूर देंगे और उसके बाद उसमें हाइलाइट्स दे देंगे मैकेनिकल पेंसिल से. सॉरी, हाइलाइट्स देने के लिए आप पेंसिल इरेजर का यूज़ कर सकते हैं, और उसके थोड़े एजेस को हल्का मतलब पेंसिल से, बहुत हार्श लाइन मत क्या करो, तो वो उससे जो होगा आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी और रियलिस्टिक लगेगी और बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल टाइप का नहीं लगेगा. तो इसके लिए और ये जितनी ज़्यादा स्मूथ शेडिंग के लिए मैंने कभी कभी ब्रश का और कॉटन बॉल का यूज़ किया, सिर्फ मैंने दो ही ब्लेंडिंग टूल का यूज़ किया है. और बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पोर्शन के लिए मैंने स्टम्प का यूज़ किया और मैंने स्टम्प का कहीं और यूज़ नहीं किया. हेयर के लिए मैं यहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ. यहाँ पे मैंने दो लेयर दिए हैं चारकोल पेंसिल से हेयर के लिए, और सेम ब्लेंडिंग के लिए मैं मेकअप ब्रश का यूज़ कर रही हूँ. और यहाँ पे मैंने दो लेयर दिए हेयर के लिए, और सेम मैंने चारकोल पेंसिल से आईज़, नोज़ और लिप्स के जितने भी डार्कर पोर्शंस हैं उनको भी मैंने कवर किया है चारकोल पेंसिल से. और फर्स्ट मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से किया था क्योंकि मुझे एक आइडिया चाहिए था कि मुझे कैसे कितना डार्क चाहिए, और जब मुझे लगा कि आईज़ लिप्स वगैरह हेयर के कंपेरिजन में बहुत लाइट हो रहे हैं तो मैंने उनको फिर डार्क कर दिया था चारकोल पेंसिल से. तो उसमें जैसे ही आपने देखा होगा, जैसे डार्कर पोर्शंस आ गए हैं तो उसमें डेप्थ बहुत अच्छे से आ गई है और रियलिस्टिक लुक और ज़्यादा आ चुका है. तो कभी भी डार्कर पोर्शंस को डार्कर करने के लिए आप डरे ना, क्योंकि एज अ बिगनर ज़्यादातर गलती यही करते हैं कि वो डार्कर पोर्शंस को कवर करने के लिए डरते हैं, और उसी वजह से वो उनकी जो पोर्ट्रेट या कोई भी स्केचिंग जो होती है वो रियलिस्टिक नहीं लगती. तो रियलिस्टिक ड्रॉ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे मैंने मैकेनिकल पेंसिल का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो ईयरिंग्स वगैरह है इसमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो मुझे हर डिटेलिंग को करना था और उसे एज इट इज़ कैप्चर करना था, तो इस वजह से मैंने मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया है जिससे ईजिली डिटेल को कवर किया जा सके. और यहाँ पे आप चाहें तो डिटेलिंग को एज इट इज़ ना कैप्चर करना चाहे तो इट्स ओके. आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी ईयरिंग्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल है. और यहाँ पे मैंने क्या किया है, हाइलाइट्स के लिए वैसे तो पेंसिल इरेजर का यूज़ कर सकती थी मैं, बट यहाँ पे मैंने जो मैकेनिकल पेंसिल के पीछे इरेजर आई थी मैंने उसका यूज़ किया है, क्योंकि अगर आपके पास पेंसिल इरेजर नहीं है तो मैकेनिकल पेंसिल चीप हो जाएगी आपके लिए, चीप रेट पर मिल जाएगी, और उसके पीछे इरेजर भी लगी रहती है जिससे आप बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स वगैरह देने के लिए ईजिली इरेज कर सकते हैं, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए. तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उससे भी कर सकते हैं, और आप
ये सब प्रॉब्लम लगती है और ये सबसे नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, आप सिंपली नॉर्मली रेजर से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने उसको पूरे पोर्ट्रेट को कंप्लीट करके, और यहाँ पे जो उनका टी शर्ट था वो वाइट कलर का था, तो वाइट को हमेशा वाइट नहीं छोड़ा जाता, उसमें शेड्स वगैरह दिए जाते, तो यहाँ पे मैंने शेड्स दे दिए हैं। और कभी भी बैकग्राउंड को बिल्कुल प्लेन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो जो किसी भी पोर्ट्रेट है किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड में हल्का सा शेड दिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो ब्लर इफेक्ट टाइप का था बैकग्राउंड में, जैसा रेफरेंस में था मैंने वैसे ही किया है, उसको कंप्लीट किया है, पूरा का पूरा शेड किया वैसे जैसा उसमें रेफरेंस में था। और यहाँ पे मैंने उसमें बहुत डार्क पोर्शन था, तो सेम मैंने डार्क पोर्शन को पाने के लिए उतना ही डार्क किया है, और सेम डार्क करके मैंने इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट किया है। सो इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।